Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7, the regional kingdoms. So students, we'll start video with get set section. Tenali Ram court poet the Raja Krishna Dev Rai ke, Raja Krishna Dev Rai ke court mein ek poet the jinka naam tha Tenali Ram. वो बहुत famous थे अपने wit के लिए, अपने humor के लिए, बहुत ज़्यादा चालाक थे, intelligent थे और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा famous थे. इन्हें विकट कवि भी कहा जाता था. ये स्कॉलर थे, इन्हें कितनी सारी लैंग्वेजेस आती थी, देखो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी. ही वॉज नोइंग तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड मराठी लैंग्वेज. विल रीड मोर अबाउट तेनाली राम इन ऑन पेज नंबर 70. ठीक है, तो बच्चे जब आप लोगों ने आपका चैप्टर 5 लेसन 5 ख़त्म किया, आई होप यू ऑल हैव सीन माई वीडियो. इफ नॉट टू वॉच इट, और नहीं भी देखा है, अगर पढ़ा भी है तो आप लोगों को पता होगा कि तुगलक डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक. बहुत ही पावरफुल थे. दिल्ली सल्तनत अपने पीक पे था बेटा जब ये लोग रूल किए, पर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि एक सल्तनत धीरे धीरे करके बहुत बड़ा होता है, पर वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको बाद में संभालना मुश्किल होता है. ऐसा ही हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ भी कि इनके रीन में तो वो पीक पर गया, पर बाद में धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होने लग गया. और जैसे ही तुगलक एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गया. डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, टूटना चालू हो गया. ठीक है, अब अच्छा तुगलक डायनेस्टी या तुगलक एम्पायर क्यों डिक्लाइन कर गया, उसके बहुत सारे रीज़न हैं. कुछ यहाँ लिस्टेड हैं, वो हम पढ़ेंगे. पहला रीज़न था वीक सक्सेसर. जो भी आने वाले तुगलक डायनेस्टी के सक्सेसर आए, वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, थोड़े से वीक थे, तो वो प्रॉपर एडमिनिस्टर नहीं कर पाए और अपनी टेरिटरीज़ को इंटैक्ट भी नहीं रख पाए. जब सुल्तान वीक हो जाते हैं तो बच्चा बहुत सारी प्रोविंसेस के जो छोटे मोटे राजा होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हो गए. फिर जब तुगलक रूल कर रहे थे तभी उन लोगों ने देखी कि बहुत सारे रिवोल्ट थे, इंटरनल रिवोल्ट्स भी थे, एक्सटर्नल रिवोल्ट भी थे, इससे भी एम्पायर कमज़ोर हो गया. मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज़ का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है बेटा. जैसे कि उसकी जो कैपिटल ट्रांसफ़र वाली बात थी, दिल्ली टू दौलताबाद, भरी गर्मी में वो लोगों को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया, आधे लोग उसमें मर गए. बहुत ही अनपॉपुलर डिसीजन था. फिर उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, उसके मिलिट्री एक्सपेडिशन भी बहुत फेलियर थे, जिससे रॉयल ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो गई. ठीक है, दुआब रीजन में उसने टैक्सेशन लगा दिया, ये उसके अगेंस्ट किया. उसने टोकन करेंसी यूज़ की, जिससे उसकी रॉयल ट्रेजरी, राज्य की जो खजाना होता है, वो पूरा खाली हो गया. मिलिट्री एक्सपेडिचर फेलियर रहे. तो ये सारी चीज़ें थी जिसने डिक्लाइन किया तुगलक एम्पायर का. और फाइनल ब्लो इनको मिला तैमूर इन्वेजन ने. तैमूर ने इन्वेट किया 1398 में, और ये फाइनल ब्लो था किसके लिए, तुगलक एम्पायर के लिए. ये जितने भी हमने केसेस ऊपर देखे, कॉजेज, इन कॉजेज, इन कारणों की वजह से बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभर आए एक दिल्ली सल्तनत से. मतलब एक दिल्ली सल्तनत के टूटने से बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम बने, और उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक है विजयनगर और दूसरा है बहमानी किंगडम. ठीक है, तो टू पावरफुल किंगडम हैं बहमानी किंगडम एंड विजयनगर किंगडम. अगर हम कश्मीर की बात करें तो बच्चा कश्मीर में मिडवल पीरियड में कौन ही रूल करते थे, एक हिंदू किंग ही रूल करते थे, मतलब एक हिंदू डायनेस्टी थी. पर 14th सेंचुरी में यहाँ पर शाह मीर आए और मुस्लिम डायनेस्टी शुरू हुई. जैनुल आबदीन को ही हम बादशाह भी बोलते हैं, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे कश्मीर के. तो कश्मीर के ग्रेटेस्ट रूलर का नाम क्या है, जैनुल आबदीन. इन्हीं को क्या बोलते हैं, बादशाह. इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर की तरह ही ये भी बहुत टॉलरेंट थे. इन्होंने एजुकेशन, एग्रीकल्चर, न्यू आर्ट और क्राफ्ट को एनकरेज किया. ठीक है, और 16th सेंचुरी में कश्मीर किसके पास चला जाता है, मुग़ल एम्पायर के पास चला जाता है. मुग़ल एनेक्स कर लेते हैं कश्मीर. फिर मारवाड़, मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ में इस टाइम में रूल कर रहे थे राठौर. और राठौर के जो महाराजा थे, जिनका नाम था राव जोधा, उन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम था जोधपुर. उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट भी बनाया. इसके अलावा राव जोधा के अलावा एक और राजा थे जो भी बहुत फेमस हुए, वो थे महाराजा मालदेव. ठीक है,
तो मारवाड़ के दो राजा को पढ़ना है, राव जोधा जिन्होंने जोधपुर सिटी बनाई और मेहरानगढ़ फोर्ट बनवाया, और उसके अलावा महाराजा मालदेव। फिर आएंगे हम मेवाड़ पे, मेवाड़ पे सिसोदिया राजपूत का रूलर था, राणा हमीर, राणा कुंभा, इन्होंने मेवाड़ को बहुत स्ट्रांग बना दिया। ये जो राणा सांगा थे ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, पर इनको 1527 में बाबर ने हराया बैटल ऑफ कानवा में। बैटल ऑफ कानवा में राणा सांगा की हार हुई अगेंस्ट बाबर इन 1527। फिर जौनपुर, तो जो मलिक सवार थे, मलिक सरवर है बेटा ये, मलिक सरवर, तो ये जो मलिक सरवर थे ये जौनपुर के गवर्नर थे। जब फिरोजशाह तुगलक की रीन थी, जब फिरोजशाह तुगलक रूल कर रहे थे तो जौनपुर के गवर्नर उन्होंने बनाया था मलिक सरवर को। पर जब तैमूर का इन्वेजन हुआ, जब मलिक सरवर ने देखा कि भैया तुगलक डायनेस्टी का तो अबैंड होने वाला है, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं और सारकी डायनेस्टी बनाई। सारकी डायनेस्टी किसने बनाई? मलिक सरवर, मलिक सरवर ने बनाई थी सारकी डायनेस्टी। मोस्ट पावरफुल सारकी रूलर थे इब्राहिम शाह सारकी। अगर पूछा जाए कि सारकी डायनेस्टी किसने बनाई थी तो बोलना मलिक सरवर ने। इसका इंपॉर्टेंट रूलर कौन था तो क्या बोलोगे? इब्राहिम शाह सारकी। 1484 में बहाउल लोदी ने जौनपुर को कनकर कर लिया। फिर आई बंगाल की बारी। बंगाल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था 14th और 15th सेंचुरी में। इलियास शाही और हुसैन शाही सुल्तान ने बंगाल के ऊपर रूल किया, कब बचा? 16th सेंचुरी में। और उसके बाद बंगाल को 16th सेंचुरी में किसने एनेक्स कर लिया? मुगल्स ने, ठीक है। तो बंगाल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था 14th और 15th सेंचुरी का, यहाँ पे रूल किया इलियास शाही और हुसैन शाही ने। और 16th सेंचुरी में हमारा बंगाल किसके पास चला गया? मुगल्स के पास। मालवा, मालवा बनाने वाले थे दिलावर खान। किंगडम ऑफ मालवा किसने बनाया? दिलावर खान ने बनाया। कब बनाया? 1401 में। 1401 में दिलावर खान ने बनाया एक इंडिपेंडेंट किंगडम जिसका नाम था मालवा। और इस किंगडम के, किंगडम ऑफ मालवा के पावरफुल रूलर थे हुसैन शाह, ठीक है। और बाद में मालवा इसके कंट्रोल में चला गया, शेरशाह सूरी के कंट्रोल में चला गया। गुजरात, मुजफ्फर शाह फाउंडेड इंडिपेंडेंट किंगडम इन गुजरात। गुजरात में इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई मुजफ्फर शाह ने 15th सेंचुरी में। कुछ फेमस रूलर थे कहाँ के? गुजरात के, अहमद शाह, महमूद शाह बेगरा और बहादुर शाह। अहमद शाह, महमूद शाह, बहादुर शाह। 16th सेंचुरी में अकबर ने गुजरात को एनेक्स कर लिया, मतलब ये भी मुगल्स के पास चला गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम खानदेश। तो राजा अहमद ऑल्सो कॉल्ड मलिक राजा, ये याद रखना बच्चा, राजा अहमद को ही मलिक राजा बोला जाता था। ये पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे खानदेश के, इनको सक्सीड किया नासिर खान ने जिसने बुरहानपुर बनाया। पूछा जाएगा बुरहानपुर टाउन किसने बनाया तो बोलना नासिर खान ने, ठीक है। बात बुरहानपुर किसने बनाया? नासिर खान ने। ये किसके सक्सेसर थे? राजा अहमद के सक्सेसर थे। राजा अहमद का दूसरा नाम क्या था? मलिक राजा। और ये पहले इंडिपेंडेंट खानदेश के रूलर थे। लेटर द रूलर ऑफ गुजरात एनेक्स खानदेश, और खानदेश को एनेक्स किसने किया? गुजरात के रूलर ने। बच्चा राणा कुंभा ने, मोर टू नो सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, राणा कुंभा ने विक्ट्री टावर बनाया। कहाँ बनाया? चित्तौड़ में बनाया। ये 37 मीटर हाई है, इसमें 9 स्टोरीज हैं। बनाने वाले कौन है बच्चा? राणा कुंभा। क्या नाम है? विक्ट्री टावर। कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है। और ये क्यों बनाया उन्होंने? अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, जो विक्ट्री उनको मिली थी महमूद खिलजी ऑफ मालवा को हरा कर। महमूद खिलजी ऑफ मालवा को हराया, जीत की खुशी में विक्ट्री टावर बनाया चित्तौड़ में। 37 मीटर हाई है, 9 स्टोरीज हैं, ब्यूटीफुल स्कल्पचर है, बहुत सारे हमारे हिंदू भगवान, देवी और देवताओं के स्कल्पचर उसके ऊपर हैं। पूरे पूरे एपिसोड हैं रामायण और महाभारत के इस टावर के ऊपर, ठीक है। फिर विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर बनाने वाले थे दो भाई, एक का नाम था हरियर, दूसरे का नाम था बुक्का। हरियर राय और बुक्का राय। कब बनाया इन्होंने विजयनगर एम्पायर को? 1336 में। अच्छा बेटा, क्या थे ये जो हरियर और बुक्का थे? ये ककाटिया, वरंगल के जो ककाटियाज थे उनके फ्यूडेटरीज थे।
फ्यूडल की तरह काम करते थे, किसके लिए? वरंगल के ककाटियास के लिए। पर जब इन्होंने देखा कि घियासुद्दीन तुगलक ने पूरा बर्बाद कर दिया वरंगल को, तो इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश की, पर उस टाइम ये इनके पास इतनी ताकत नहीं थी, तो ये वहाँ से भागे। 1323 में जब घियासुद्दीन ने वरंगल को पूरा बर्बाद कर दिया, तो ये वहाँ से भागे और कहाँ हो गए? कंपनी में शिफ्ट हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लोकल रूलर के कांटेक्ट में आए और उनको सर्विस देने लगे। पर जब तुगलक्स ने कंपनी को भी जीत लिया, तो ये ब्रदर्स को, हरियर और बुक्का को, उन्होंने कैदी बना लिया। बाद में इन्हीं ब्रदर्स को भेजा कि जाओ तुम साउथ में जितना भी रिबेलियन हो रहा है उसको क्रश करके आओ। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, ये दोनों भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक से ही रिबेलियन कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। इंडिपेंडेंट तो ये शुरू से ही बनना चाहते थे, पर मौका नहीं मिल रहा था। वरंगल से भागे, कंपली, है ना। पर अब उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में रिबेलियन कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना डिक्लेयर किया और बिल्ड किया विजयनगर, विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री, हरिहर और बुक्का। तो देखो, हरियर और बुक्का दो भाई थे बच्चा, इन लोगों ने 1336 में किसको बनाया? विजयनगर को। तो थ्रोन तो इन्हें ही मिलेगा, तो पहला थ्रोन मिला किसको? हरियर को। हरियर ने 20 ईयर तक रूल किया, तो 1336 में अगर उसको थ्रोन मिला, 20 ईयर रूल किया, तो वो 1356 तक रूल करता रहा, ठीक है। 1356 तक रूल करने के बाद थ्रोन किसके पास पहुँच गया बेबी? किसके पास पहुँचा? बुक्का के पास, ठीक है। बुक्का ने कब तक रूल किया? 1377 तक अब बुक्का का रूल चला। ये जो ब्रदर्स थे, इन्होंने जो मैसूर के होयसाल रूलर थे उनके अगेंस्ट में लड़ाई की, किंग ऑफ मदुरई के अगेंस्ट में लड़ाई की। बुक्का ने तो मदुरई के किंग को हरा ही दिया। लिटिल बाय लिटिल द होल साउथ इंडिया वॉज ब्रॉट अंडर हिज रूल, और धीरे धीरे करके पूरा के पूरा साउथ इंडिया किसके कंट्रोल में आ गया? हरियर और बुक्का, या विजयनगर एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। विजयनगर एम्पायर ने स्टूडेंट्स 230 ईयर्स रूल किया, ठीक है। किंग्स को ये बोलते थे राय, कहीं कहीं या हो सकता आपके टीचर इसको रया पढ़ें, क्या पढ़ें? रया। जैसे कुछ फेमस लोगों को मैं भी सुनती हूँ, तो वो बोलते हैं कृष्णदेव रया, जो कि वो कृष्णदेव रया नहीं बेटा, कृष्णदेव राय हैं। तो ठीक है, पढ़ने से क्या, स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। विजयनगर एम्पायर 230 ईयर्स तक चलती रही। इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज आई, और उसमें से जो 3 मेन डायनेस्टी हैं वो है संगम, सालुब, तुलुव डायनेस्टी, सालुब डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। फिर से बोलो, संगम डायनेस्टी, सालुब डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी, ठीक है। ये 3 डायनेस्टी हैं कहाँ की? विजयनगर एम्पायर की। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदेव राय को। तो बच्चा, जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया 1509 से। कब तक रूल किया? 1530 तक। ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय। उन्होंने बहमनी सुल्तान को भी हराया, किंग और उड़ीसा को भी हराया। तो किस किस को हरा दिया बेटा कृष्णदेव राय ने? बहमनी सुल्तान और किंग ऑफ उड़ीसा। और ये जो रायचूर दुआब था, जो कि रिवर कृष्णा और रिवर तुंगभद्रा, रिवर कृष्णा और रिवर तुंगभद्रा के बीच का जो रीजन होता है, वो बहुत ही फर्टाइल रीजन था। उस रीजन को रायचूर दुआब बोलते थे। उस पे भी कंट्रोल कर लिया कृष्णदेव राय ने, ठीक है। जब तक ये थे, तो इनके एम्पायर ने पूरा साउथ इंडिया जीत चुका था। रायचूर दुआब, समझ गए ना? कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर के जो बीच का जो पार्ट है, इसे रायचूर दुआब बोला। ये कृष्णदेव राय ने अपने कंट्रोल में कर लिया, उड़ीसा के राजा को हराया, बहमनी किंगडम को हरा दिया। और कृष्णदेव राय खुद जाते थे इंस्पेक्शन के लिए, टूर करते थे। वो देखते थे कि लोग सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं, मेरे ऑफिसर प्रॉपरली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई जरूरत से ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रहा है, कोई दुखी तो नहीं, ये सब जानने के लिए खुद इंस्पेक्शन पे जाते थे कृष्णदेव राय। दिस वे ही कैप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एम्पायर। और यही तरीका था जिससे कृष्णदेव राय अपने आप को पूरी तरह इन्फॉर्म रखते थे कि उनकी किंगडम में आखिर हो क्या रहा है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चा। अकबर भी करते थे ऐसा, अशोक भी करते थे ऐसा। अब जो कृष्णदेव राय थे बच्चा, इन्होंने ट्रेड को, कॉमर्स को एनकरेज किया, मतलब बढ़ावा दिया।
उन्होंने ट्रेड लिंक्स बनाए, ट्रेड रिलेशनशिप बनाए पोर्तुगीज़ के साथ, इंग्लिश के साथ, डच के साथ, मतलब कृष्णदेव राय इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। किस किस के साथ? पोर्तुगीज़, इंग्लिश और डच। उनका बहुत ज़्यादा ध्यान एग्रीकल्चर पे भी था, उन्होंने बहुत सारे टैंक्स बनवाए, डैम बनवाए, कैनाल बनवाए इरीगेशन के लिए। पोर्तुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पाइस ने कृष्णदेव राय की कोर्ट को विजिट किया और बहुत कुछ इनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को लिखा। कृष्णदेव राय के कोर्ट में कौन आए? डोमिंगो पाइस कौन थे? वो पोर्तुगीज़ ट्रैवलर थे। फिर उन्होंने ब्रीफली लिखा कि कैसी वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थी। कृष्णदेव राय बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी? उन्हें तेलुगु लैंग्वेज भी आती थी, उन्हें संस्कृत आती थी। उन्होंने खुद एक पोएम कंपोज की है जिसका नाम है अमुक्त मल्याद। अमुक्त मल्याद कौन सी लैंग्वेज में लिखी बच्चा? तेलुगु में लिखी। बहुत सारे लॉर्ड मैन को उन्होंने पैट्रोनाइज कर रखा था, अपने कोर्ट में रख रखा था। इसमें थे 8 तेलुगु स्कॉलर्स जिनको कलेक्टिवली बोला जाता था अष्ट दिग्गज। क्या बोला जाता था? अष्ट दिग्गज। पूछा जाएगा अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में थे, तो क्या बोलोगे? कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे। कृष्णदेव राय ने क्या भी बनवाया बच्चा? कृष्णा टेंपल बनवाया हम्पी में। फिर उन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर के भी सेवरल पोर्शंस को और एक्सपांड करवाया, ब्यूटीफाई करवाया। ठीक है, कृष्णा टेंपल बनवाया हम्पी में, विट्ठल स्वामी टेंपल को ठीक करवाया और ब्यूटीफाई करवाया। एक न्यू सिटी बनाई नागलपुर, जिसको आज हॉस्पेट बोलते हैं। स्कॉलर्स बताते हैं कि कृष्णदेव राय ग्रेटेस्ट रूलर थे इंडिया के। उनके फ्यू अचीवमेंट्स हम पढ़ेंगे अब। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो जो किंग था वो सुप्रीम अथॉरिटी था एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जान था किंग। उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करते थे, वेरियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर देयर हु इज असिस्टिंग कृष्णदेव राय। द कंप्लीट एंटायर इज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, मंडलम्स डिवाइडेड इनटू नाडूस, नाडूस अगेन डिवाइडेड इनटू स्थलास, स्थल्स डिवाइडेड इनटू ग्राम, एंड ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फ्यूडल इन नेचर। पूरे के पूरे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब है मंडलम, मंडलम डिवाइड होता था नाडूस में, नाडूस बोले तो डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट या नाडूस डिवाइड होते थे स्थल्स में, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद आते थे विलेजेस, और विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूडल नेचर का होता था। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी वो हेरिडेटरी होती थी। सपोज करो आज मेरे पास है तो आने वाले टाइम में मेरे बच्चों के पास ही होंगी। जो किंग था वो इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट था फ्यूडल लॉर्ड्स पे। राजा अपनी आर्मी नहीं रखता था, वो किस पे डिपेंड करता था? फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंड करता था। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो विजयनगर एम्पायर में बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब समृद्धता थी, पैसे की कमी नहीं थी, सब लोग बहुत खुश थे, और ये समृद्ध था, प्रॉस्पेरिटी लाने वाला था एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेवलर्स सच एज निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रजाक ने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है विजयनगर एम्पायर के कोर्ट कितने स्प्लेंडर, कितने शानदार थे। ठीक है, जो नॉवेल्स थे उनकी लाइफ स्टाइल कितनी लग्जीरियस थी, मतलब समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, और वो प्रॉस्पेरिटी लाने वाला था एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स। निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रजाक ने लिखा है कि भाई विजयनगर के कोर्ट तो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट थे, स्प्लेंडरस थे, जो लाइफस्टाइल था नॉवेल्स का बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस था, और इस सब के लिए इनकम आती थी लैंड रेवेन्यू से। किससे? लैंड रेवेन्यू से। और ये जो लैंड रेवेन्यू है ये लगता था अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जितनी ज़्यादा उपजाऊ जमीन होगी उतना ज़्यादा टैक्स। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और टैक्स लगते थे, जैसे प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता था। सेल को जब आपकी जो प्रोड्यूस होगी उसको सेल करोगे, मतलब आपका जो फसल हुई उसको सेल करोगे, उस पर भी टैक्स लगता था। प्रोफेशनल टैक्स थे, मैरिज के ऊपर टैक्स था। फ्लोरिशिंग ट्रेड, मतलब जितना ज़्यादा ट्रेड फ्लोरिश हो रहा था उससे भी पूरा एम्पायर रिच बनता जा रहा था। अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर। तो भैया कैपिटल क्या थी विजयनगर एम्पायर की? हम्पी। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी, बड़े बड़े टेंपल्स थे, विट्ठल स्वामी टेंपल, वीरूपाक्ष टेंपल, हजारा राम टेंपल, वीरूपाक्ष टेंपल, विट्ठल स्वामी टेंपल, ये तीनों टेंपल थे हम्पी में। बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी। टेंपल्स आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ विजयनगर टेंपल आर्किटेक्चर। टेंपल्स से आपको फाइन स्पेसिमेन मिलेगा कि आर्किटेक्चर कितना हाई लेवल पे था। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स थे,
जो टेम्पल्स की वॉल पे बने हुए थे, जिनको हम पेज नंबर 68-69 में देखेंगे। लिटरेचर की अगर हम बात करें, लिटरेचर की बात करें तो रूलर्स एनकरेज करते थे संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। कौन सी तीन भाषाओं को एनकरेज प्रोत्साहित किया जाता था? संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। बहुत सारी बुक लिखी गई ग्रामर के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी। फिलॉसफी, मैथ्स, मेडिसिन, ग्रामर के ऊपर बहुत सारी बुक लिखी गई। सयान ने कॉमेंट्री लिखी वेद की। वेद की कॉमेंट्रीज लिखने वाले कौन थे? सयान। अब एम्पायर ख़त्म कैसे हुई बच्चा? जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ हुई, पूरा का पूरा एम्पायर वीक हो गया। जो नेबरिंग किंगडम्स थी डेक्कन की, उन्होंने आपस में हाथ मिलाया और विजयनगर किंगडम को हरा दिया। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा में 1565 में विजयनगर एम्पायर की हार हुई। किसने की ये शिकस्त, किसने दी, किसने कराई इनकी हार? बहुत सारे डेक्कन किंगडम्स ने हाथ मिला के विजयनगर को हरा दिया। हम क्विक क्विज करेंगे। हुज इन्वेजन प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिक्लाइन ऑफ तुगलक एम्पायर? तैमूर के इन्वेजन। ठीक है, तैमूर के इन्वेजन से तुगलक एम्पायर को बहुत बड़ा डिक्लाइन मिला। शार की डायनेस्टी बनाने वाले कौन थे? तो वो थे बच्चा मलिक सरवर। कृष्णदेव राय ने अच्छा ये ईयर तो बेटा मुझे याद नहीं आ रहा है, देखें एक बार कौन सा ईयर था। 1398 जब तैमूर का इन्वेजन हुआ तभी, है ना। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्लयात लिखी है, तो हाँ बच्चा लिखी है। फिर किसने लिखी है कॉमेंट्रीज ऑफ वेदा, ये अभी हमने पढ़ा। सायन, किसने पढ़ी लिखी है? सायन। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन। विल स्टार्ट पार्ट टू विद बहुमनी किंगडम।